चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने लेकर आए हैं समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.4। इसका एक वीडियो बना चुके हैं, ये 5.4 का दूसरा वीडियो है बाबू। तो देखिए 5.4 का पहला वीडियो में टाइप 1 बताए थे, अब आपको सामने लेकर आए हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 क्या कह रहा बाबू कि एपी के एन पदों का योग पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या रहेगा बाबू कि एपी का एन पदों का योग कभी दिया हुआ रहेगा तो कभी निकालना रहेगा। मतलब टाइप 2 में एन पदों का योग पर आधारित प्रश्न दिया हुआ रहेगा, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए छोटू, एपी के एन पदों का योग को हम बताए थे आपको फॉर्मूला, इस सब की एस एन कहते हैं एपी के एन पदों का योग। और इसके अलावा फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू, एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए थे छोटू। और एक और बताए थे क्या, इसी को एन बटा टू इंटू ए प्लस टी एन होता है ना। तो ये दो फॉर्मूला आपको हम बता चुके थे, और साथ में क्या बताए थे, टी एन बराबर बताए थे छोटू क्या होता है, एस एन माइनस वन। एक्सरसाइज 5.4 जब शुरू किए थे छोटू, तो इसके पहले हम आपको ये दोनों फॉर्मूला बताए थे और समझाए थे और टाइप 1 बताए थे। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर ये वीडियो नहीं देखे ना तो ये देख लीजिएगा, उसके बाद टाइप 2 देखिएगा। और देखिए यहाँ से अब आप लोग को हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा। और देखिए इसका सोल्यूशन है, देखिए छोटू क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। जिससे हम बताए थे ना कि एपी दिया हुआ रहेगा और इसका योगफल पूछेगा। तो देखिए तो ये एपी में है, देखिए तो 25 और 3 28, 28 और 3 31, देखिए तो कर्मागत पदों का अंतर समान है ना, तो ये एपी में है। अब इसका योगफल निकालना है छोटू, तो योगफल के लिए क्या बताए हैं, एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताए थे कि ये फॉर्मूला कब लगाएंगे छोटू, जब एन दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा और डी दिया हुआ रहेगा। देखिए तो एस एन बराबर तीन को वेरिएबल चीज है, तो हमको तीनों वेरिएबल चीज ज्ञात होना चाहिए। तो यहां से देख रहे हैं कि इसमें ए तो पता है बाबू और डी भी पता है टी टू माइनस टी वन, लेकिन एन नहीं पता है। कई वो है 25 से 100 के बीच में, तो हमको पता नहीं है, नहीं एन पता है। और तो यहां से देखे तो हमको एन निकालना पड़ेगा पहले, तो एन निकालने के लिए क्या दिमाग लगाएं, तो एन निकालने के लिए आपको बताया गया है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक टी एन बराबर ये फॉर्मूला बताएं 5.4 में, और 5.4 के पहले हम आप लोग को बताए थे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया था। तो देखिए तो छोटू यहां से ए पता है, डी पता है और टी एन भी पता है। देखिए ये टी एन है अंतिम पद, तो यहां से एन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि तो देखिए हम बताए थे कि जितना भी फॉर्मूला पीछे यूज हुआ है वो सबका यूज आएगा एक्सरसाइज 5.4 में। 5.4 है एसएन पर आधारित प्रश्न, इसका मतलब टीएन का यूज नहीं होगा, ऐसा आपका सोचना गलत बात है, समझे। तो पीछे जितना भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं और उसमें जितना भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं उसका यूज आएगा एक्सरसाइज 5.4 में, तो आप याद रखिएगा। तो टीएन बराबर पढ़े ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखिए तो यहाँ से टी एन मतलब अंतिम पद दिया हुआ है, ए दिया हुआ है बाबू, और डी निकाल लेंगे टी टू माइनस टी वन। तो देखिए तो यहाँ से एन निकल जाएगा, अब एन निकल जाएगा तो देखिए तो एन निकल जाएगा और ए और डी दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिए एन निकाल लेंगे छोटू, और एन निकाल लेंगे और ए हमको पता है और टी एन देखिए भी पता है ना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, समझ में आया बात। आप देखिए छोटू हम आपको सोल्व करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बाबू, एन निकालेंगे। तो एन निकालने से पहले हम लिख देंगे जो दिया हुआ है, क्या देखेंगे जो कि ए बराबर 25 है ना छोटू, देखिए तो, और डी का यूज आएगा तो डी बराबर निकाल लेंगे टी टू माइनस टी वन। टी टू का वैल्यू देखिए तो कितना बाबू, 28, 28 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा ना। अब देखिए डी हमको पता चल गया, टी एन दिया हुआ बाबू, टी एन कितना दिया हुआ है 100 है ना। अब देखिए हमको सब कुछ पता, एन नहीं पता है ना, तो एन निकाल लेंगे। और हमको चाहिए क्या, योगफल चाहिए, योगफल मतलब एस एन चाहिए,
क्वेश्चन जो कह रहा था उसके अनुसार पहले इतना लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि ए दिया हुआ है, डी हमको यूज आएगा इसलिए डी निकाल लिए, टीएन दिया हुआ और योगफल पूछ रहा था तो योगफल को क्या बताए थे एसएन से डिनोट करते हैं, हमको यही एसएन चाहिए छोटू। तो एसएन में आप देखिए तो एन पदों का योग चाहिए तो पहले हमको एन निकालना पड़ेगा, तो एन निकालने के लिए क्या बताएं ये फॉर्मूला, तो यहां से क्या लिखेंगे चूंकि टीएन बराबर कितना है बाबू 100 है ना। अब देखिए टीएन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर क्या हो जाएगा छोटू 100 होगा ना, इसको मिटाते हैं। अब देखिए छोटू यहां से सोल्व कीजिए, एन का वैल्यू निकालिए तो ए का वैल्यू रखिए कितना है 25 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू देखिए तो कितना आया बहु 3 रख देंगे बराबर 100। यहां से आप सोल्व करते जाइए तो कि एन माइनस वन इंटू 3 हो जाएगा और ये 25 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 होगा ना। अब देखिए यहां से एन माइनस वन इंटू 3 बराबर घटा दीजिए वो तो 100 में 25 जाएगा कितना बचेगा 75। अब देखिए 3 गुना में है बहुत इधर जाएगा तो भागन होगा, यहां से क्या करेंगे एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा यहां से 75 बटा देखिए 3 गुना में तो भागन, अब यहां से कट जाएगा 25 दिया 75 होगा ना। अब यहां चाहिए बाबू हमको एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा छोटू देखिए इधर 25 रहेगा और यहाँ माइनस वन था इधर जाएगा तो प्लस वन, समझ रहे हैं बहुत आसान है एकदम, ये इतना तो सोल्व करने आता है सबको। अब यहाँ से इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू 25 अब 26 होगा। अब देखिए हमारा एन निकल गया, हाँ एन निकल गया तो अब हम क्या करेंगे एसएन निकाल लेंगे, तो एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो देखिए तो यहाँ से एसएन का फॉर्मूला क्या ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला दो गुम्स को ही लगा दीजिए, इसको मिटाते हैं पहले। अब देखिए छोटू देखिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसीलिए एसएन बराबर, एसएन बराबर क्या होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस टीएन बताए ना। आप देखिए एस एन है बाबू तो एस और एन का वैल्यू देखिए तो कितना है 26, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस 26 बराबर क्या हो जाएगा वो एन की जगह कितना है 26, तो जहां जहां एन है वहां क्या रखेंगे 26 रखेंगे, तो एन का वैल्यू 26 रख दीजिए 26 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू देखिए कितना हो 25 और प्लस टी एन, टी एन मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है बाबू देखिए तो 100 है, देखिए यहां लिखे हैं टी एन बराबर 100 यहां लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए बाबू देखिए तो 13 दुनिया की 26 हो जाएगा, अब देखिए 13 इधर हो गया और इधर 25 और 100 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए बाबू गुना कर दीजिए, ये गुना कर देंगे वही ना आंसर हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे छोटू तो कितना हो जाएगा 1625 यही हो जाएगा आपका आंसर, समझ में आई बात। तो देखिए तो बहुत इजी था, एन पदों का योग निकालने का रहा था वो, तो एन पदों का योग के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एन निकालेंगे छोटू, क्या निकालेंगे एन, एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे टीएन और टीएन का फॉर्मूला बैठाएंगे यहां से एन निकालेंगे, एन निकालने के बाद क्या करेंगे एसएन निकालेंगे, अब एसएन एन के मतलब 26 हो गया, तो जहां जहां एन रहेगा वहां वहां क्या रखेंगे 26 रखेंगे, उसके बाद भाई भी सबका रख देंगे आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं बाबू कि एन पदों का योग में अगर एन पदों का योग निकालने के लिए कहेगा तो हम एन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एन पदों का योग कभी निकालने के लिए पूछेगा और कभी कभी एन भी निकालने के लिए पूछेगा, कहेगा इसमें कितने पद हैं तो कितने पद हैं नहीं निकाल देंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए टाइप टू का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटू, देखिएगा ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। अब देखिए छोटू टाइप टू का ही एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसमें देखिए क्या करा कि 1 + 6 + 11 + 16 + …x = 140 है, मतलब इसमें देखिए तो क्या दिया हुआ है छोटू एसएन अभी दिया हुआ, अभी पिछला क्वेश्चन बनाए थे जिसमें देख रहे थे कि एसएन नहीं दिया हुआ था, मतलब सही पदों का योग नहीं दिया हुआ था लेकिन इसमें दिया हुआ है ना, देखिए तो इतना प्लस इतना प्लस इतना तो सबका योग है, तो इसका मतलब क्या एन पदों का योग है और एन पदों का योग दिया हुआ, तो हमको निकालने क्या बोल रहा है वो x का मान, x क्या है यहाँ पर तो देखिए तो अंतिम पद है ना,
तो हम लोग देखिए तो फॉर्मूला क्या जानते हैं छोटू, एस एन इक्वल टू एन बटा टू इंटू ए प्लस टी एन। देखिए तो यही ना जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं एन बटा टू इंटू ए प्लस टी एन। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं क्या कि चार वेरिएबल है, एक एस एन वेरिएबल है, एक एन वेरिएबल है और एक ए और एक टी एन है ना। तो हम लोग देखे तो यहां से चार गो में से तीन को अगर दिया हुआ रहेगा तो चौथा निकल जाएगा, या कभी ये तीनों दिया हुआ रहेगा तो ये चौथा निकल जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें एक्सरसाइज 5.4 में इन पदों के योग पर आधारित रहेगा। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से देखेंगे कौन वैल्यू दिया हुआ है और कौन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसी का निकालेंगे। तो यहां से हम लोग देखे तो निकालना क्या हो, टी एन निकालना है, क्या निकालना है टी एन, एक्स का वैल्यू निकालना। और एस एन देखिए तो दिया हुआ है, और ए भी देखिए तो दिया हुआ, और यहाँ एन देखिए वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली दिया हुआ। तो क्या करेंगे एन का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताएं, वो टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए तो पहले हम लोग जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है, देखिए क्या दिया हुआ, वो ए का वैल्यू दिया हुआ तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि ए बराबर वन होगा। D का वैल्यू निकाल लीजिए वो, तो T2 माइनस क्या होता है T1, तो देखिए T2 का वैल्यू कितना है 6 है, 6 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। और Tn बराबर देखिए तो कितना दिया हुआ इसमें वो x, और x का वैल्यू क्या करना है निकालना है ना। और Sn का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 148 है। अब देखिए तो यहां से क्या करेंगे बहु, n नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ, अब जब तक n नहीं दिया हुआ है जब तक Sn का फॉर्मूला नहीं लगेगा तो ये सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या होता है Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से क्या लिखेंगे जो कि Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है x, और Tn का फॉर्मूला क्या जानते हैं वो a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू कितना आ जाएगा x। अब यहां से देखिए छोटू a का वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस n माइनस 1 इनटू d का वैल्यू देखिए तो कितना लाए हैं 5, और इधर x दिया हुआ है। यहां से क्या करेंगे छोटू n निकालेंगे, तो देखिए तो 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर x माइनस 1। अब देखिए 5 को क्या करेंगे ये गुना में, इधर जाएगा तो भागम, तो आप डायरेक्ट इधर भागम भेज सकते हैं या इसको गुना करके तब n का वैल्यू निकालें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं गुना करते हैं, देखिए गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1। आप देखिए 5n को रहने देंगे और माइनस 5 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 5, देखिए माइनस में था तो इधर चल जाएगा प्लस में। आप देखिए तो बाबू यहां से n बराबर निकालना है तो 5 देखिए तो गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू x, और यहां देखिए तो 5 में से एक जाएगा बाबू 4, और बटा देखिए तो 5 गुना में था तो इधर आएगा भागा में, n का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे Sn का वैल्यू निकाल देंगे हम, देखिए आपको डायरेक्ट गुना करके तब इनका वैल्यू निकालें, आप डायरेक्ट इसको भेज के इधर तब ये निकालिएगा इतना ही आएगा, नहीं विश्वास है देखिए यहाँ देखिए गुना 5 इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 1 बराबर x बटा 5, देखिए सॉरी x माइनस 1 बटा 5 बचेगा ना, देखिए x माइनस 1 था 5 गुना में इधर गया तो भागम, और इधर बच जाएगा n माइनस 1। अब n बराबर निकालना तो क्या जाएगा n बराबर x माइनस 1 बटा 5, देखिए माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, अब यहाँ से भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो यहाँ से देखिए तो इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे, तो भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बटा 5 और प्लस 5 होगा ना, देखिए तो 5 गुने 1 5, अब देखिए तो इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 बटा 5, और यही ना देखिए तो यहाँ आया है। तो आप कैसे भी निकालिए, या आप डायरेक्ट इसको भेज के निकाल सकते हैं या गुना करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये सब मिटाते हैं छोटू, अब देखिए अब आपको n बराबर पता हो गया तो क्या करेंगे यहां से Sn का वैल्यू निकाल दीजिए, और Sn बराबर दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है 148, और इसका फॉर्मूला लगाइए बाबू, Sn बराबर क्या जानते हैं n बटा 2 इनटू a प्लस tn, अब बराबर कितना हो जाएगा 148 होगा ना। अब देखिए तो यहां से बाबू क्या करेंगे n का वैल्यू निकाल के लाए ना, वो n का वैल्यू रख देंगे, तो रख दीजिए n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू बाबू देखिए तो x प्लस 4 बटा 5, अब देखिए बटा में 2 पहले से है तो 2 को रहने देंगे ना, और यहां से देखिए a तो a का वैल्यू कितना है 1,
प्लस टीएन, टीएन का वैल्यू कितना है एक्स, और यही तो हमको क्या करना निकालना, और बराबर में कितना हो जाएगा 148 हो गया ना। अब देखिए आंसर एक्स प्लस फोर हो जाएगा, अब गुना क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और बटन देखिए तो क्या है 5 × 10, अब बराबर कितना हो जाएगा 148। अब देखिए 10 इधर भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, अब ऊपर वाला देखिए दोनों गुना हो जाएगा तो इसको गुना कर दीजिए, 1 में x से क्या होगा x होगा प्लस, 1 में 4 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर x से x में क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x में 4 से क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए 10 इधर भागा तो इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1480, 10 से गुना होगा तो आप देखिए यहाँ से हमको x का निकालना है तो इसको पहले क्या करेंगे अरेंज करेंगे, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4x और x कितना होगा भाव 5x हो जाएगा। आप देखिए 1480 को इधर लेके चला लेंगे तो देखिए तो यहाँ से 1480 इधर आएगा और प्लस 4 है तो 4 और इन आएगा तो क्या होगा माइनस में, और घट जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -1476 इक्वल टू 0। देखिए क्या किया है एक स्टेप हम लूप कर दिए हैं, क्या किया है यहाँ से 1480 को इधर लाए तो माइनस में हो गया और 4 प्लस में था तो घट कितना हो जाएगा 1476 होगा ना। आप देखिए तो यहाँ से आप लोग का गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं इसका x का वैल्यू, या द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े हैं द्विघात समीकरण से यहाँ से क्या कर सकते हैं x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या क्या बताएं गुणनखंड में फर्स्ट इंटू लास्ट से इसको और इसको गुना करेंगे तो हम कुछ नहीं तो एक तो गुना करेंगे कितना ही हो जाएगा, उसके बाद क्या किए करेंगे कि उसको ऐसा गुना करेंगे कि दो दो पद में कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए बीच वाला आना चाहिए, तो इस 1476 को गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने के बाद इसको मिडिल वाला लाइए तो आप गुणनखंड कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 41x और -36x -1476 इक्वल टू 0। देखिए 1476 को तोड़िएगा दो भाग में तो 41 × 36 आ जाएगा 1476, और यहाँ से देखिए तो 41 में से 36 को घटाइए तो क्या आ जा रहा 5 आ जा रहा है, इसीलिए हम लिख दिए हैं डायरेक्ट आप गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड तो आता है 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको क्या करेंगे जो कॉमन ले रहा है उसको ले लेंगे, यहाँ से कॉमन देखिए तो x दोनों में मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा प्लस, यहाँ से x कॉमन लिया गया बहुत 41 बचेगा, और यहाँ से देखिए माइनस 36 इसमें कॉमन लिया गया, अब यहाँ से बच गया क्या बहुत देखिए तो x बचेगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले बहुत तो प्लस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ देखिए 36 कॉमन है तो 36 से भाग दीजिए 1476 में कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा और बराबर में 0। अब इसको देखिए आगे बहु, अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 36 होगा ये होगा नहीं, देखिए यहाँ से x और यहाँ से माइनस 36, अब यहाँ से देखिए x प्लस 41 तो क्या हो जाएगा x प्लस 41 और बराबर 0 होगा नहीं। अब यहाँ से देखिए तो x का दो वैल्यू आएगा कैसे आएगा बहुत, x माइनस 36 बराबर 1 0 होगा एंड x प्लस 41 बराबर 0 होगा होगा नहीं, यहाँ से देखिए तो इसलिए x बराबर 36 आ गया बहु और एक आ जाएगा x बराबर -47 होगा। अब हमको निकालना था क्या छोटू x का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए तो कि x का दो वैल्यू आया तो कौन वाला आंसर होगा ये दिमाग लगाना है यहाँ से आप लोग को। अब देखिए तो एक प्लस में और एक माइनस में तो देखिए तो श्रेणी कैसे जा रहा था, तो देखिए तो 1, 6, 11, 16 तो देखिए तो सब बढ़ते जा रहा है 1 से 6 और 6 से 11, 11 से 16 तो ये बढ़ते जा रहा है इसका मतलब प्लस में मिलेगा हमको तो प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे 36, इसका मतलब अंतिम पद कितना आएगा 36 आएगा, माइनस 41 हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि बढ़ते जा रहा है तो कभी माइनस कैसे हो सकता, अगर हाँ यही रहता 16, 11, 6 ऐसे रहता 16 + 11 + 6 + 1 ... तो अब यहाँ से क्या करते हैं प्लस को नहीं लेकर के माइनस को लेते हैं, क्यों क्योंकि देखिए तो घटते जा रहा है इसका मतलब घटते जा रहा है तो नीचे जाएगा तो नीचे क्या होगा माइनस होगा, लेकिन हमारा ये उल्टा नहीं दिया हुआ है बढ़ते में जा रहा है तो बढ़ते में जा रहा है इसका मतलब -41 संभव नहीं है, तो क्या लिख देंगे यहाँ से यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है अतः x बराबर 36 आंसर। ये बात समझे आप लोग, देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा आप देखिएगा एक्सरसाइज 5.4 में कि x का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो दो वैल्यू आएगा तो यहाँ से देखेंगे कि कौन सा वैल्यू लेना है, तो कैसे यह डिसाइड करेंगे तो ये देखेंगे श्रेणी से,
तो सेलेनियम देखिए अगर बढ़ते क्रम में रहेगा तो प्लस वाला लेंगे, अगर घटते क्रम में रहेगा तो माइनस वाला लेंगे। अगर घटते क्रम में रहेगा तो प्लस वाला भी लिख देंगे, यह संभव नहीं है, अतः एक्स बराबर माइनस वाला हो जाएगा। समझे? तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए टाइप टू का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद आपका टाइप टू समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे टाइप थ्री और टाइप फोर, उसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.4 समाप्त हो जाएगा। तो देखिए भाई इसको स्क्रीनशॉट करना जरूर कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको, इसमें क्या रहेगा भाव की योग दिया हुआ रहेगा और एक्स का वैल्यू पूछेगा। तो एक्स देखिए कि क्या है, टी एन है। अब टी एन है इसका मतलब टी एन का पहले फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से एन निकालेंगे। एन निकालने के बाद एस एन बराबर जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे और एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला लगाने के बाद सबका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। समझे? अब देखिए बाबू मिटाते हैं। अब देखिए छोटू टाइप टू का ही एक क्वेश्चन और लिया, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू कि 100 और 1000 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योग निकालिए। देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि टाइप टू में क्या है, n पदों का योग पर आधारित है। देखिए तो इसमें भी क्या दिया हुआ है कि 100 से 1000 के बीच 5 से विभाजित जितने भी संख्या है उसका क्या कीजिए, योग निकालिए। अब देखिए यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें हम सारा क्वेश्चन समझा देंगे। देखिए यहाँ से कभी कभी क्या कह सकता है कि 100 और 1000 के बीच सभी संख्याओं का योग निकालिए। तो सभी का था तो कोई दिक्कत नहीं था, सभी का था तो क्या करते हैं, पहला संख्या लेते हैं और अंतिम संख्या लेते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या करा, 5 से विभाजित करा। इसका मतलब क्या है कि 100 और 1000 के बीच ऐसा संख्या का योग निकालिए जो क्या कहें, 5 से सिर्फ जो कटता है तो सिर्फ 5 से कटने वाला संख्या लेना। लेकिन डायरेक्ट का था बीच, तो बीच का देते 101, 102, 103 होता डॉट 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 तो नहीं। लेकिन यहाँ 5 से कह रहा छोड़ो। इसी प्रकार 5 से नहीं कहकर कभी 3 से कहेगा, कभी 4 से कहेगा, कहीं 7 से कहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। हम देखिए 5 से जैसे समझाएंगे उसी प्रकार 7 से कीजिएगा, उसी प्रकार 3 से कीजिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन क्या कर सकता है इसमें कि 100 और 1000 के बीच सम संख्या का योग निकालिए, या कभी कहेगा विषम संख्या का योग निकालिए। तो सम संख्या कहेगा तो कौन कौन होता है, 102 होता, 104 होता, 106 होता, और विषम कहता तो 101, 103 प्लस 105 होता है। तो यही ध्यान देना है इसमें मेनली रूप से। आप देखिए एक बात और हम आप लोग को बताए थे 5.2 में, देखिए क्या बताए थे कि कभी इतना और इतना के बीच कहेगा, कभी इतना से इतना तक कहेगा, कहेगा नहीं। तो देखिए इसको पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए बीच कह रहा 100 और 1000 के बीच, इसका मतलब क्या है, जैसे हम कहेंगे कि 1 और 10 के बीच, इसका मतलब क्या है कि 1 और 10 के सिर्फ बीच वाला लेना है, मतलब 1 को नहीं लेना है और 10 को नहीं लेना। कहने का मतलब ये नहीं कि इतना और इतना के बीच, मतलब बीच वाला लेना है तो ये दोनों नहीं लेना। उसी प्रकार यहाँ देखिए 100 और 1000 के बीच का रहा, मतलब 100 को भी नहीं लेना और 1000 को नहीं लेना। लेकिन यही बात कहता कि 1 से 10 तक, तो देखिए तो यहां से क्या कह रहा कि 1 से 10 तक, मतलब 1 से मतलब 1 को भी लेना है और 10 तक मतलब 10 को भी लेना है। तो यहां से अगर क्वेश्चन कहता कि 100 से 1000 के तक 5 से विभाजित संख्याओं का योग निकालिए, तो तक कहा था तो 100 भी लेते हैं और 1000 भी लेते हैं। तो पहले ये बात आपको समझ में आया बीच और से वाला में, तो इतना और इतना के बीच कहेगा और इतना से इतना तक कहेगा। इसको आप समझिएगा, पहले समझ लिए ना। अब देखिए यहां से इसको हम बताते हैं, तो देखिए तो छोटी इसका सोल्यूशन देखिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या कि एपी के एन पदों का योग में संख्या दिया हुआ था, दिया हुआ था ना। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन पद है 1 + 6 + 11 दिया हुआ था, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब ना प्रथम पद दिया हुआ है, ना सार्वंतर दिया हुआ, ना अंतिम पद दिया हुआ, और डायरेक्ट कुछ दिया है सभी पदों का योग, तो कैसे निकलेगा जब तक प्रथम पद नहीं ज्ञात हुआ। लेकिन तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन क्या दिया हुआ कि 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित वाला निकाल लेंगे। अब कहां से निकालना, तो देखिए तो 100 और 1000 के बीच है वो, तो देखिए तो 100 वाला 100 देखिए तो यहां 100 और 1000 के बीच में है, तो 100 तो 5 से कट रहा है, लेकिन 100 को हमको नहीं लेना। विभाजित मतलब कि 5 से कटने वाला संख्या, तो 100 तो कट रहा लेकिन इसको हमको नहीं लेना। तो देखिए तो 100 कट रहा, इसका मतलब 101 अब होगा नहीं होगा,
102 होगा नहीं होगा, 103 होगा नहीं होगा, 104 होगा नहीं होगा, 105 ये देखिए 5 से कट जा रहा है, कट जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो संख्या पहला कट रहा अगला कितना संख्या के बाद कटेगा, तो जितना से विभाजित करेगा। देखिए 5 से विभाजित कर रहा है इसका मतलब 5 हो के बाद आएगा, देखिए 5 हो के बाद आएगा कौन संख्या 105। अगर यही 7 से का था विभाजित तो 7 अंक के बाद आता, 8 से का था तो 8 संख्या के बाद आता, आता ना। तो यही हमको चेक करना कि प्रथम पद कौन होगा और अंतिम पद कौन होगा। और अंतिम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 1000, तो 1000 में क्या करेंगे 5 से भागा देंगे। अब इसमें देखिए भागा दें तो ये तो कट रहा है, लेकिन ये हमको नहीं लेना क्योंकि 1000 के बीच का, मतलब 1000 को नहीं लेना। तो आप पीछे जाएंगे, बीच में कह रहा था 999 होगा, होगा नहीं 998 होगा, लेकिन ये सब कटेगा पास से नहीं कटेगा। तो ऐसे कहाँ तक देखते जाएंगे, अगर 7 का था, 11 का था, 15 का था, तो इतना चेक करते हैं नहीं ना। तो क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या रहेगा उसमें भागा देंगे जितना से रहेगा, भागा देने के बाद जो शेष आएगा उसी को घटा देंगे। यहाँ से देख रहे हैं क्या कि 5 से कटने वाला वो रहा, ये तो कट रहा लेकिन इसको हमको नहीं लेना, नहीं लेना। तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे 999 जाएंगे और 999 में 5 से क्या करेंगे भागा देंगे। तो भागा दीजिए तो देखिए तो 5 देंगे, 5 एकम 4 आएगा, फिर 9 बजे कितना होगा 45, फिर 4, फिर 9 उतरेगा तो 9 बजे 45, देखिए तो कितना आ रहा है 4, 4 शेष आ रहा है तो 4 पीछे चले, 99 से 4 घटा दीजिए कितना 995, तो आपका अंतिम पद क्या हो जाएगा 995। उसी प्रकार 3 से कहता छोटू तो इसमें 3 से भागा देते हैं और जितना शेष आता उसको घटा देते हैं। ये बात सबको समझ में आया, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसीलिए लिखे लेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 105 होगा और अंतिम पद कितना हो जाएगा 995। ये डायरेक्ट लिखना कैसे, तो ये रफ में समझना है आपको, उसके बाद आपको डायरेक्ट लिख देना। और डी क्या हो जाएगा, वो तो डी क्या हो जाएगा, तो जितना से विभाजित करेगा वही आपका डी हो जाएगा, समझे। या आप क्या कर सकते हैं, इसको श्रेणी पहले लिख सकते हैं, तो पहला संख्या आएगा 105, दूसरा क्या आएगा बाबू 110, तीसरा क्या आएगा 115, क्योंकि 5 से विभाजित है, 5 के बाद कटने वाला मिलेगा, 7 से काटा तो 7 के बाद मिलता, यहां से क्या हो जाता डॉट 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 995। अब देखिए आपको एक श्रेणी मिल गया, श्रेणी मिल गया तो प्रथम पद मिल गया, अब डी मिल जाएगा T2 माइनस T1 तो घटाइए तो 5 ही आएगा और अंतिम पद मिल गया। हमको निकालना क्या हो SN, तो SN नहीं निकल जाएगा यहां से, देखिए तो ऐसा क्वेश्चन पीछे पड़े हैं हिसाब का योग, तो यहां से क्या करेंगे N पहले निकालेंगे, N निकालने के बाद SN लगा देंगे। अब सम संख्या का तो क्या करते बहु 102 लेते हैं, पहला संख्या 100 के बीच में, 100 से 1000 के बीच में पहला सम संख्या कौन होगा 102 होगा, दूसरा कौन होगा 104 होगा। अब उसमें डी कितना होगा, तो देखिए 102 से 104 तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर, तो सम संख्या विषम संख्या करेगा तो सार अंतर झू लेना है हमेशा, और विभाजित करेगा तो जितना से विभाजित करेगा उतना ही आपका सार अंतर हो जाएगा, ये याद रहेगा। और अंतिम पद कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे अंतिम संख्या में भागा देंगे, अंतिम संख्या देखिए तो 1000 है, 1000 के बीच का रहा था तो 1000 तो हमको नहीं लेना, 999 लेना, अब 999 में भागा देंगे जितना से कहेगा और भागा देने के बाद जो शेष आएगा उसको घटा देंगे, वही हो जाएगा आपका अंतिम संख्या। अंतिम संख्या पहचानने के लिए समझ में आया, तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको बनाते हैं तो इसको मिटाते हैं बहु, देखिए तो हमको SN चाहिए, वो SN के लिए क्या चाहिए N, तो हम क्या बताएं N निकालने के लिए TN बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से रख दीजिए वो TN बराबर, तो देखिए वो यहां से रख दीजिए TN बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस, तो यहां से देखिए तो TN बराबर क्या दिया हुआ है 995 और इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 995। अब देखिए भाई ए का कितना है 105 है प्लस एन माइनस वन, एन निकालना हमको, डी का वैल्यू कितना है बहु 5 है बराबर 995। अब यहां से देखिए तो बहु एन का वैल्यू निकल जाएगा 105 इधर भेजेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा, और ये देखिए गुना हो जाएगा तो 5n माइनस 5 या इसको ऐसे ही अभी रहने दीजिए। अब देखिए यहां से क्या बचेगा एन माइनस वन इंटू 5 बराबर ये 105 उधर जान के घट जाएगा बहु, तो 995 माइनस कितना हो जाएगा 105, देखिए तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना मिलेगा
तो देखिए घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 में से 1 जाएगा 8। अब देखिए 5 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागन तो 5 से 1 कट जाएगा तो काट दीजिए इसको, 5 से कम 5, 3 पर 9 39 होगा, 7 पर 35 तो 4 पर 0 होगा, 8 पर 40 तो 78 आ जाएगा। अब यहां से क्या चाहिए वो n, तो n माइनस 1 है, माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा n बराबर 178 प्लस 1, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा बाबू 179। अब देखिए n का वैल्यू निकाल गया, यहां से क्या निकालेंगे, इसीलिए sn बराबर, और sn बराबर फार्मूला क्या जानते हो, n / 2 * a + tn। आप देखिए तो यहां से sn और n का वैल्यू कितना है 179, यहां से क्या लिख देंगे 179 बराबर। अब जहां जहां n है n के जहां वैल्यू कितना हो जाएगा 179, तो n का वैल्यू रख दीजिए 179 / कितना हो जाएगा 2 * a, तो a का वैल्यू देखिए कितना है 105 प्लस tn, tn का वैल्यू देखिए कितना है 995। अब इसको हल कर देंगे छोटो, तो देखिए तो 179 / 2 * देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 9 0 9 और एक हाथ वाला 10 के 0 हो जाएगा, 9 1 10 और एक हाथ वाला 11 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी एक कट जाएगा, 5 2 10 5 2 10 550 हो गया ना। अब यहां से क्या हो जाएगा 179 गुने 550। अब यहां से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा 98450, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले समझेंगे कि बीच का रहा या तक का रहा। अगर बहुत 100 से 1000 तक का था तो पहली संख्या 100 होता और अंतिम संख्या 1000 होता, लेकिन हमको बीच का रहा बहुत तो क्या करेंगे, 100 को नहीं लेंगे और 1000 को नहीं लेंगे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा और अंतिम पद 995 हो जाएगा। अब कैसे होगा अंतिम पद, तो क्या बताएं कि जहां से कहेगा उसके पीछे वाला एक अंक लेंगे और उसमें भागा देंगे जिससे कहेगा, और जो शेष आएगा उसको घटा देंगे, घटाने के बाद लिख देंगे, यही हो जाएगा अंतिम पद। तो यहां से एपी देख लें क्या तैयार हो रहा, प्रथम पद 105 है तो दूसरा कितना होगा 110। अब बार बार दूसरा तीसरा नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जितना से विभाजित करेंगे उतना जोड़ते जाएंगे, समझ रहे हैं। अब अंतिम पद जो आएगा वो लिख देंगे, उसके बाद देख रहे हैं कि हमको एसएन चाहिए तो एसएन के लिए एन निकालना पड़ेगा, तो एन अभी हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में कैसे निकलेगा टीएन से, तो टीएन बराबर जो दिया उसको रख देंगे, इसका फॉर्मूला रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, एन निकल गया तो वही रख देंगे एन का वैल्यू और इसको सोल्व कर देंगे, है समझे। तो आप देखिए टाइप टू आपका समाप्त हुआ, तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें कि क्या है, एन पदों का योग पर आधारित प्रश्न है, तो एन पदों का योग का फॉर्मूला याद कीजिए, इसमें देखिए कि क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ उसको क्वेश्चन पढ़ेंगे कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अनुसार उसको लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे। तो देखिए छोटू अब आपका एक्सरसाइज 5.4 का टाइप 2 समाप्त हुआ है अभी, अब अगले वीडियो लेकर आएंगे जिसमें टाइप 3 और टाइप 4 लेंगे, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 5.4 के साथ साथ आपका समांतर श्रेणी भी समाप्त हो जाएगा। और अभी तक अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्री नहीं देखे तो ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि क्लास 10th का हम समांतर श्रेणी अभी पढ़ा रहे हैं, समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा अगले वीडियो के साथ, और ट्रिगोनोमेट्री का खत्म कर दिए और हाइट एंड डिस्टेंस का भी खत्म कर दिए, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ